और घाव लग गया क्या? कैसे गिर गए? अरे भाई यार, लोकल होके गिर गए? कैसे गिर अभी गए? अभी वहाँ पे एक कम से कम 10-15 बच्चे नहा रहे थे, और लोकल के बच्चे, बाहर के लोगों का एक्सीडेंट होता ही रहता है। अभी एक हफ्ते पहले हमने बताया था कि 7 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सभी लोग मर गए, 3 लोगों की लाश मिली थी। तो वहाँ से कुछ बच्चे नहाते हुए आए हैं और यहाँ से इस कुंड में गिरे हैं, और कुंड में जैसे ही गिरे हैं एक का सर फट गया है, क्योंकि चट्टान से जा लगा है और वहाँ पे भीड़ लगी हुई। हम चल के दिखाते हैं आपको, बहुत तेज उसको चोट आई है। और ये है कुंड, ये है यहाँ पे वाटरफॉल, और दह कह सकते हैं, बहुत ही गड्ढा है, बहुत ही गड्ढा है। और यहाँ से ऊंचाई आप देखिए कितना ऊंचा है, ये बहुत ही ऊंचा है। और ये इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें जब पानी बहुत तेज स्पीड में होता है तो लोग नीचे की तरफ, उधर की तरफ बह जाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। ये है बिंडम फॉल का सबसे खूबसूरत नज़ारा। इस तरह से कम 10 जगहों से पानी गिरता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। बिंडम फॉल में गिरे कि पत्थर पे गिरे हो? ये सारे बच्चे नहाने जा रहे हैं, और ये है बिंडम फॉल, और एक बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया बेचारे का, ऊंचाई से कूदते हुए और सर फट गया। लिखा हुआ है, पर्यटकों से निवेदन है कि कृपया झरने के पानी में नहाने का प्रयास न करें, ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा करते हुए कई पर्यटकों की मृत्यु हो चुकी है। अतः सुरक्षित रहते हुए पिकनिक का आनंद लें एवं इसमें नहाने का प्रयास ना करें। आज्ञा से प्रभागीय वन अधिकारी मिर्जापुर, वन प्रभाग मिर्जापुर। जो बाहर के लोग आते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता रहता, अंदाज़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से अभी जो एक हफ्ते पहले लोगों की मृत्यु हुई है, 7 लोगों की, वो सारे के सारे बाहर से थे। तो कृपया करके नहाने का प्रयास न करें।